नमस्कार सभी को। इस वक्त हम है अपर तीबी प्रोय के बांग पे, जो कि तीबी से कुछ मिनट का ही डिस्टेंस पड़ता है। जब हमने यहाँ पे पहुँचा, हमने देखा कि यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर है काफ़ी जीरो है, एजुकेशन सेक्टर है काफ़ी जीरो है। जब हमने यहाँ के जो विलेजर्स हैं उनसे बात किया, उन्होंने बताया कि ये जो विलेज है वो 2005 में इस्टेब्लिश हुए थे। उन्होंने काफ़ी गवर्नमेंट से भी अपील किया, लेकिन अभी तक कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी मोर देन 100 है। और जब एजुकेशन के बारे में बात किया तो DDSC से भी उन्होंने बात किया, लेकिन DDSC ने कहा कि यहाँ पे स्कूल नहीं खोला जा सकता है। तो अभी यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो विलेजर्स है और जो यूथ्स हैं, यहाँ से बात करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम और फेस करना पड़ रहा है उनको यहाँ पर रह के। तो चलिए मेरे साथ और उनसे बात करते हैं। आपका ये जो विलेज है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 2005 से हुआ है। जो यहाँ पे सिर्फ प्रोइक रहता है या निसी भी रहते हैं? यहाँ में सिर्फ प्रोइक है ओनली। अगर आप बता पाएंगे कि यहाँ पे पॉपुलेशन कितना है? यहाँ में हम लोग का अभी फिलहाल तो 100 ज़्यादा है। हम लोग गवर्नमेंट से भी अपील किया था, हम लोग एप्लीकेशन लिखा था, तो DDSY में भी हम लोग दो और यहाँ का लोकल MLA से भी हम लोग कुछ मतलब ये फॉरवर्डिंग करने दिया था, तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट कुछ भी नहीं किया या हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं लिया हम लोग का। जी, आप कितना बार अपील किया और ये कब की बात है? ये हम लोग को अभी 2017 का बात आई है, जो हम लोग गवर्नमेंट को जो स्कूल के लिए रेसिडेंटल स्कूल के लिए हम लोग मंगा था, तो उसमें हम लोग को नहीं दिया, रिस्पॉन्सिबल कुछ भी नहीं। हम लोग का मतलब एप्लीकेशन कागज जो कहीं में मतलब गायब हो गया ऐसे करके। तो इसलिए हम लोग डेवलपमेंट गवर्नमेंट को भी हम लोग ये अपील किया है, तो गवर्नमेंट जो हम लोग को रिस्पॉन्सिबल नहीं ले रहा है। तो हम लोग को यहाँ में हम लोग 2005 से बैठा है, तो हम लोग को कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ में। अभी तक डेवलपमेंट तो कुछ नहीं है यहाँ में, सिर्फ ओनली हम लोग को ये वाटर सप्लाई पानी के लिए थोड़ा आया, पानी आया और इलेक्ट्रिक है, लाइट दिया है हम लोग को। वो भी MLA मतलब हम लोग को कहीं से भी वो इमरजेंसी आप लोग के लिए हम लोग दिया है बोल के ऐसे ही बोला है, तो इसके लिए आए। तो हम लोग का यहाँ में कुछ भी नहीं अभी तक, गवर्नमेंट से हम लोग फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिला है। तो आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए आप कहाँ पर क्या करते हो? बच्चे को पढ़ने के लिए मैडम यहाँ से हम लोग TP जाना पड़ता है, गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ में, तो पानी बड़ा होता है बीच में, तो जा नहीं सकते, तो बच्चा लोग को पढ़ने नहीं सकते। यहाँ में अपना माँ बाप जो बच्चा के लिए मतलब कहीं डोनेशन करके आपस में कोई लोकल टीचर मतलब प्राइवेट रखा हुआ है, तो उसको महीना में ऐसे 500 कुछ डोनेट करके तो वो टीचर को दे के पढ़ा रहा है अभी। यहाँ पे जब हमने देखा कि एजुकेशन भी नहीं है और रोड कनेक्टिविटी नहीं है और यहाँ का जो हेल्थ सेक्टर वो भी नहीं है, बट बीइंग ए सीनियर सिटीजन्स ऑफ ये दिस विलेज, आपको गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को ये कहते हैं यहाँ में आंगनबाड़ी सेंटर होना है और आशा फैसिलिटी ना, ये सब यहाँ होना है, क्योंकि यहाँ में मेडिकल का प्रॉब्लम ना, कोई डिलीवरी हो जाएगा मेडिकल ले जाने के लिए गाड़ी या रास्ता नहीं होने के कारण, और अच्छा डॉक्टर हेल्थ हाइजीशन की बहुत ज़रूरी दो। तो गवर्नमेंट को ये सीएम को मैं ये अपील करते हैं, हमारा पूरे लोग या वोमेन लोग बच्चा लोग यहाँ में इतना दुख तकलीफ से जी रहा है ना, तो ये मैडम अपनी यहाँ हम लोग को सिंगजन होना चाहिए, यहाँ को मतलब या आंगनबाड़ी सेंटर ना, आशा फैसिलिटी ये सब यहाँ में होना चाहिए, ये अपील करता है। रोड पे दो मो, हॉस्पिटल पे दो मो, स्कूल पे दो मो पेमा कंदू ने ना मलुसी ñengo de gdo to kai hoga do so ngulu kja kya go pisin son petro pai mo hoga ngulu me long sa me me go so so ngulu maling bi ba nai la pa ngo ba pe ma kan tu nam yang do hoga hara bo school le ga ngulu ga ka we na te ba ado la ngulu hostel pa nyo ra ka mo tang ka ta wing bar go ai pai ra ka ma je dora lo ko ngulu hostel pa nyo ra ka ma bi aram ja te club ja do sam ngulu school le ga sam pe কান্দু নঙলম মেঘ বিতে সালাঙ জামিয়াং দো ও নো মিয়াংজং লঙলম বিরে না পঙ অবজাং মিয়াংজং দেনা খে হংলুগা আফি আরম নো পেচিং দো প্রুই কাঙলুগা আফি আরম মুলু নুকরি বাড়ি গর ঞো রাং কম কে যা কে আবঙ্গলু সসি দুং দেখে হগাব নাম স্লোগ আমলু রিকিওস মদনা কে নঙ্গুলু গুব লাপি বিবে সালাঙ জামিয়াংজং দেনা খাই।